हेलो जी, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ वरुण वंस अगेन। आज सुबह सुबह उठ के आ गया कुएट समुंदर साइट टर्टल पार्क घूमने के लिए और वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करने के लिए। तो मैं टर्टल पार्क में जाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अच्छा अच्छा व्यू। तो पूरा वीडियो देखिए और मेरे साथ बने रहिए आगे तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना और शेयर करना। और जो लोग अभी तक मेरा वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आगे आप लोगों को, कैमरा घुमा के मैं कुछ अच्छा व्यू दिखाते हैं, तो आगे तक बने रहिए मेरे साथ। तो जी, मैं चलते चलते अभी समुंदर साइड में ही चल रहा हूँ और ये मेरे पीछे कुछ इस तरह का व्यू है, जो कि पीछे सालमिया सिटी। अभी मैं शॉप में हूँ तो सालमिया सिटी कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है और इस साइड समुंदर और इस साइड दूर में कुएट टावर दिखाई दे रहा है और कुएट सिटी, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो आगे मैं आप लोगों को कैमरा घुमा के अच्छे से दिखाता हूँ। तो जी, मैं अभी भी समुंदर साइड चल रहा हूँ पार्क के तरफ और मेरे पीछे कुछ इस तरह का व्यू है, मैं आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, तो आगे देखते रहिए।
नाइट टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू होता है, तो मैं आगे का भी मौका मिले तो नाइट में आके आप लोगों को इवनिंग टाइम आप लोगों के साथ शेयर करेगा वीडियो। तो आगे आहिस्ता आहिस्ता करके मैं पार्क की तरफ चलता हूँ और आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। बेसिकली ये सारे जगह पे नॉर्मल टाइम पे बहुत ही आदमी होता है, बहुत ही यू नो लाइक मेला टाइप बैठता है। तो दिस टाइम तो पैंडामिक होली मानता प्रमादान, इसलिए ज़्यादा आदमी लोग नहीं है। बाकी नॉर्मल टाइम पे बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आदमी लोग आता है, नहाता है, मस्ती करते रहता है और इन्जॉय भी होता है, फिर मेला टाइप बैठता है। तो आगे का भी मौका मिले तो ज़रूर मैं शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो सड़कों पे चलते चलते देखा कि एक बहुत ही सुंदर फ्लाईओवर ब्रिज है यहाँ पे, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी भी रोड साइड चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा दूर है जहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया था। चल के थोड़ा हालत ख़राब हो रहा है क्योंकि एक तो धूप है, गर्मी। तो आगे आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता हूँ और आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आगे तक।
तो जी फाइनली मैं चलते चलते टर्टल पार्क में आ चुका हूँ। पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, समुंदर साइड ही, तो बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन, साफ सफाई और सुंदर। एज यूजल कुवैत का हर जगह ही ऐसा होता है, साफ सफाई, नीट एंड क्लीन, सुंदर होता है। तो ये भी बहुत ही सुंदर है, छोटा मोटा। तो मैं आप लोगों को आगे कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। हालत बहुत ही ख़राब है यहाँ का, लाइक बहुत दिन से शायद ज़्यादा आदमी लोग नहीं आता है, ज़्यादा बच्चे लोग नहीं आता है, ज़्यादा आधा से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे लोग ही आता है खेलने में, खेलता है, घूमता है, फिरता है। तो कोविड के लिए ज़्यादा आदमी लोग नहीं आता है, और ऊपर से होली मानता प्रमादान, आदमी लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है, तो इधर का हालत थोड़ा बहुत ही ख़राब है। और ऊपर से आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ पूरा मैं ही हूँ, और अदर्स कोई आदमी लोग कोई भी नहीं है, क्योंकि पैंडामिक के लिए और होली मंथ रमादान के लिए। तो इस तरह कुछ माहौल है इस साइड। तो मैं आगे आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। रखा क्योंकि बहुत ही पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टर्टल होता था, इस जगह का नाम रखा टर्टल पार्क। और देख सकते हो इस तरह की टर्टल बना के रखा, ताकि मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जी यहाँ पे नॉर्मल टाइम पे बहुत ही अच्छा सुंदर लाइटिंग होते रहता है, और उसके साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट होते रहता है। तो अभी तो पैंडामिक है, और आप लोग थोड़ा देखा हालत, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे ऐसा हालत नहीं रहता है यहाँ पे। तो आगे आप लोगों का भी कुछ मौका मिले तो इस जगह विजिट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही सुंदर होता है वो भी नॉर्मल टाइम पर। तो चलिए फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आगे की तरफ बढ़ते
टाइम पे यहाँ पे बहुत सारा समुंदर के नज़दीक टर्टल हुआ करता था, तो इसीलिए इस जगह का नाम टर्टल पार्क रखा। तो अभी तो उतना नहीं दिखाई देता है क्योंकि हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज होना, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारा कुछ जो समुंदर का प्राणी, फिर बहुत सारा प्राणी को भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अभी तो मतलब देखना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो कुछ इस तरह ही है, तो आगे आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते और आप लोगों के साथ शेयर करते। मेरे पीछे है टर्टल पार्क जहाँ से मैं अभी घूम के आ गया, और आप लोग देख सकते हो पीछे समुंदर, पानी इतना साफ और इतना नीला है, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके घर की तरफ चलते हैं क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितना टाइम हो रहा है उतना ज़्यादा धूप हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके घर की तरफ चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे बने रहिए और देखते रहिए। तो जी बहुत घूम लिया फिर लिया, धूप बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो अभी सोच रहा हूँ कि ब्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि रोज़ा मंथ है, पब्लिकली कुछ खा पी नहीं सकता है, तो घर पे जाके ही खाना पीना होगा। तो जल्दी जल्दी घर की तरफ चलते हैं और ब्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना एंड शेयर करना अपना परिवार और दोस्तों के साथ। तो और उसके बाद ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइए, बेल आइकन को बजा के ऑल कीजिए, जब भी मैं कोई वीडियो देगा ऑटोमेटिकली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह मेरा साथ देते रहिए, प्यार करते रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। तो तब तक के लिए बाय, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, बाय बाय, सब सही रहना, खुश रहना और मेरा वीडियो देखते रहना। Bye.